नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने विंटर फ्लावरिंग्स जो प्लांट लाई थी उनको रिपोर्ट करूंगी। और ये वो प्लांट हैं जो मैंने 15 दिन पहले छोटी छोटी सी पौध में लेकर आई थी 5-5 रुपए में, और मैंने बास्केट में लगाई थी। देखिए, इन पर फूल भी आ गया है आज, तो ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं अगर उस टाइम पर हम पौध ले लें तो। और अभी जो भी ये प्लांट मैं नए लाई हूँ वो सारे मैं रिपोर्ट करूँगी। ये सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है और कम जगह में और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बालकनी में थोड़ी जगह भी की है मैंने ताकि इनके लिए जगह बना सकूं। और सभी प्लांट मेरे कोकोपीट के मिक्सचर में लगे हुए हैं। ज़्यादातर मिट्टी का यूज़ मैंने बहुत कम किया है, तो बालकनी में बहुत ही कम वेट है। ये समझिए, अगर मिट्टी में लगे होते ये प्लांट तो उसके आधे का भी आधा वेट है, क्योंकि कोकोपीट बहुत हल्की होती है। सभी गमले बहुत आसानी से इधर उधर मैं उठा लेती हूँ। तो अगर आप बालकनी में गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोकोपीट का यूज़ करिए, बहुत हल्की रहती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ। तो दोस्तों, जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स मैं लेकर आई हूँ अभी उनकी रिपोर्टिंग करूँगी। और अभी बजे हैं लगभग 2:30 बजा हुआ है, और लगाते लगाते इनको मुझे रात हो गई, 4-5 घंटे लगे। लेकिन अच्छा लगता है जब फूल खिलते हैं उनको देखकर। तो ये मिट्टी मैं नर्सरी से ही लेकर आई हूँ, जो आपको यहाँ पर रखी हुई दिख रही थी। थोड़ी बहुत मिट्टी मिक्स करूंगी और बाकी कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है जो बनी हुई है गमले में, गमला खाली था, हो गया था, तो उसकी मिट्टी मैंने इसमें अपने टब में पलटी है। इसमें कोकोपीट और कंपोस्ट पूरी अच्छी तरह से बनी हुई मिट्टी है, उसमें सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर रही हूँ मैं, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। मिट्टी किस तरह से बनाएं उसका वीडियो मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी डाला था, कई बार मैं डाल चुकी हूँ जिस तरह की मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ। जितनी आप लेते हैं कोकोपीट या फिर मिट्टी, उतना ही उसमें खाद मिलाएं। और ये नीम की खली मिला रही हूँ मैं थोड़ी सी, इससे मिट्टी में कीड़े वगैरह नहीं लगते। और थोड़ा सा मैंने और भी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दिया है, वैसे इसमें पहले से ही मिला हुआ है। मेरी जितनी भी मैं यूज़ कर रही हूँ सॉइल मिक्सचर, उसमें मैं ज़्यादातर बराबर का ही खाद मिलाती हूँ ताकि अच्छे से प्लांट चले। और ये तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें अच्छी खाद चाहिए। तो जितनी आप मिट्टी या फिर कोकोपीट का मिक्सचर लेते हैं उतनी ही उसमें खाद मिलाइए ताकि अच्छे से फूल आएँ। और कोकोपीट यूज़ करने से बास्केट भी बहुत हल्की रहती है। जितने भी पिटूनिया के प्लांट हैं वो सारे मैं बास्केट में लगाऊंगी, क्योंकि एक तो जगह कम घेरती है और इनको मैं ऊपर टांग सकती हूँ तो धूप भी अच्छी आएगी, और बहुत ही कम जगह में हम काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो अभी आधी बास्केट मैंने भर ली है और आराम से हम प्लांट को निकालेंगे। जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी जड़ों को बिल्कुल भी ना छेड़ें, बहुत ही हल्की जड़ होती है इनकी, तो बस ऐसे ही रख दें। और रखने के बाद ही अपने आप ही थोड़े दिन में फैल जाती है नई मिट्टी में, और फिर आप इसको अच्छे से चारों तरफ से दबा के लगा दें बास्केट में। तो बास्केट में ये बहुत अच्छे से चलता है पिटूनिया, थोड़े ही दिन में ये बास्केट को चारों तरफ से कवर कर लेगा, और जब इसमें से फूल लटके हुए दिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों, जब हम खुली जगह में गार्डनिंग करते हैं या फिर टेरिस पर भी हम अगर गार्डनिंग करते हैं और बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो बालकनी में गार्डनिंग करना थोड़ा मुश्किल है और अलग है, तो उसी में मैं नए नए तरीके निकालती रहती हूँ और अपने शौक़ को पूरा कर लेती हूँ छोटी सी जगह में ही। तो बास्केट देखिए लग गई है अभी बिल्कुल, बस इस तरह से हमें लगा लेनी है और हम कहीं भी इसको अब टांग सकते हैं। इसी तरह से और भी जो पेटूनिया के बास्केट हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स कोई भी हो, सबको रिपोर्ट करने का तरीका एक ही है, और इस तरह की मिट्टी आप बनाइए, बहुत ही बढ़िया तरह से प्लांट्स चलेंगे। अगर आप कोकोपीट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मिट्टी और रेत मिला लीजिए और बराबर उसमें खाद मिला लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया प्लांट चलेंगे। बस आप इसमें खाद अच्छी मात्रा में मिलाएँ तो अच्छे फूल आएंगे। तो पिटूनिया के प्लांट्स मैंने पहले लगा लिए हैं और इनको टांग दूंगी पहले, उसके बाद फिर थोड़ी जगह हो जाएगी, उसके बाद मैं और प्लांट रिपोर्ट करूंगी। तो पूरी वीडियो मैं दूसरे चैनल पर डालूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि लगाने के बाद कैसी लग रही है बालकनी और किस तरह से मैंने इनको सबको रिपोर्ट किया। तो उस पर मैं दूसरे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ डालती रहती हूँ, गार्डन में मैं क्या कर रही हूँ और डेली का अपडेट मैं दिखाती रहती हूँ। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बास्केट मेरी बिल्कुल तैयार हैं, इनको मैं टांग दूंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।